एनडीए के माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी से मुझे बहुत खुशी और बहुत निर्णायक फैसला लगा, क्योंकि धांधली बिहार मुखिया चुनाव एवं सरपंच वार्ड सदस्य समिति जिला परिषद वार्ड पंच के बीच में जे हो रहा था उन पे कुछ लगाम कसने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनके कैबिनेट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि एक राकेश कुमार महतो हिसार ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि, उनसे यही कहना चाहता है कि यह कानून व्यवस्था बहुत अच्छा हो रहा है, उनको थोड़ा सा और ध्यान देने का काम है जो माननीय हमारे डीएम और जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह है कि चुनाव में धांधली ना हो, एवीएम से छेड़छाड़ ना हो, चुनाव आयोग से भी अनुरोध है इस सब के बीच निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, क्योंकि संविधान वार्ड से बनता है, गांव से बनता है, और वार्ड ही और गांव ही एक जरिया है जो चुनाव के लिए एवं लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र का मतलब है निष्पक्ष, जो भी मतदाता मालिक जिनको चुनेंगे उन्हीं को जीतने का अधिकार होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। और कुछ दबंग अपना बलबूते पर बैलेट पेपर हैंग कर लेते थे, इसीलिए ईवीएम को हैंग नहीं करेंगे, यह चुनाव आयोग से प्रार्थना रखेंगे, डीएम एवं जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मतदान केंद्र पे हमारे मतगणना से लेकर चुनाव शुरुआत से लेकर एवं प्रकार के नियम में बदलाव होने पर मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री को, कैबिनेट को एवं एनडीए गठबंधन सरकार को देना चाहता हूं, और यह बात भी सूचित करना चाहता हूं कि जो मुखिया एवं सरपंच वार्ड सदस्य एवं समिति चाहे कोई भी प्रकार का कैंडिडेट हो, वह प्रतिनिधि काम नहीं करता है तो उन्हें उन पे भी कार्रवाई किया जाए, चाहे वो दबंग हो, चाहे वो कितना बड़ा भी शक्तिशाली हो। यह नहीं कि राकेश बोला तो राकेश को जेल में ठेल दो, यह पहले की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोलने का अधिकार लोकतंत्र में सबको होना चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो। यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं अपने देश प्रेमी से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए मतदान टाइम में अपना टाइम रहते हुए मतदान करें, भारी से भारी जनसंख्या में बूथ पे पहुँचे, अपना व्यक्तिगत वोट जो लोकतंत्र में अधिकार मिला है वो अधिकार का प्रयोग करें, अच्छा से अच्छा कैंडिडेट को जिताएं, जो आपके नज़र में हो उन्हीं के प्रति आप वोट डालें, एवं प्रकार के दुविधा को झेलते हुए धूप छांव कोरोना काल एवं बहुत ही अपने भारत नहीं विश्व में यह कोरोना जो है एक महामारी लेकर आई है, उनको ध्यान में रखते हुए दो गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, उनको ध्यान में रखते हुए सभी से प्रार्थना कि आप अपना वोट निश्चित डालें और सुनिश्चित करें कि ये लोकतंत्र है, अधिक से अधिक हम वोट का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता, जय हिसार, जय बिहार।